नमस्कार दोस्तों, वर्निया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स के हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती दोनों ही टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों ने टीम इंडिया को हर बार अच्छी शुरुआत दिलाने का काम किया था, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई और मैच के पहले ही ओवर में लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने वाले ओपनर केएल राहुल बिना खाता खोले ही वापस पवेलियन लौट गए। जी हाँ, केएल राहुल ने 4 गेंदों का सामना किया और अपना खाता नहीं खोल पाए। ओवर की 5वीं गेंद पर जेम्स एंडरसन ने एक फुल लेंथ गेंद डाली थी जिसे ड्राइव करने की कोशिश में केएल राहुल चूक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर जॉस बटलर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। आपको बता दें, इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया था और पहली पारी में शानदार शतक ठोका था। वो इस सीजन में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से भी एक थे, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में केएल राहुल का विकेट गंवा दिया, टीम इंडिया को ये तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जेम्स एंडरसन दूसरे टेस्ट मैच में खासे प्रभावित नहीं कर पाए थे, लेकिन ज़बरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में विकेट निकालकर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, केएल राहुल का विकेट तब गिरा जब टीम का स्कोर केवल 1 रन था। आपको बता दें, टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में ज़बरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड को 151 रनों से हरा दिया था। टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरी है, वहीं इंग्लैंड की नज़र सीरीज बराबर करने पर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।